उपमंडल बैजनाथ के बलगाम में बुधवार देर रात एक युवक की कहासुनी के बाद शराब के नशे में हत्या कर गई। मामले में पुलिस ने आरोपी कृष्ण कुमार निवासी चोबू, जो कि मृतक शुभम का ही रिश्तेदार बताया गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार शराब के नशे में किसी बात पर हुई कहासुनी के बाद उसने निचली मंजिल में जाकर शुभम निवासी चोबू के पेट में सब्जी काटने वाला चाकू घोंप दिया, जिस कारण शुभम की मौत हो गई। बताया गया है कि इस वारदात में बीच बिचाव करने उतरे विशाल को भी हाथ में चाकू से चोट आई है। बैजनाथ के डीएसपी प्रताप सिंह ने बताया कि बुधवार को उक्त युवक, जो कि बलगाम में किसी बाड़पंच के पास खुडली बिलाने का कार्य कर रहे थे, वहां से काम खत्म होने के बाद बुधवार देर शाम महाकाल स्थित ठेके से शराब की बोतल बचिकन लेकर निकू के घर बल आए। वो वहां पर 5 लोगों ने मिलकर निकू के घर पर अलग अलग कमरों में पार्टी का आयोजन किया। इसके बाद थोड़ी देर उपरांत कृष्ण कुमार व निकू दूसरे कमरे से उठकर शुभम के पास आकर बैठ गए। वह कृष्ण व शुभम में किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद कृष्ण ने तैश में आकर शुभम के पेट में चाकू घोंप दिया। डीएसपी ने बताया कि इस घटना के बाद घायल हुए शुभम को करीब रात्रि 10 बजे दो अन्य साथियों विशाल व संजीव द्वारा बैजनाथ सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में दोषी कृष्ण निवासी चोबू को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह धारा 302 व 323 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, जबकि पार्टी में शामिल अन्य युवकों का भी मेडिकल करवाया गया है। अपने बयान में आरोपी कृष्ण कुमार ने बताया कि जब वे एक कमरे से उठकर दूसरे कमरे में शुभम के साथ शराब पी रहा था, तो किसी एक के परिजनों से संबंधित किसी बात पर शुभम व उसमें कहासुनी हो गई, जिसके बाद नशे में होने के कारण वह तहस में आ गया और निचली मंजिल में उतरकर उसने चाकू से शुभम के पेट पर वार कर दिया।